आइंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आरओआरओ प्री परीक्षा तिथि आ गई है, जो आपका आगामी 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली है। आपके पास प्री कम मेंस की पूरी तैयारी करने का समय है। इस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। आज के वीडियो में हम सबसे लेटेस्ट जो आरओआरओ की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुई थी, जिसका आपका ये री एग्जाम होने वाला है, उस पेपर से हिंदी के पेपर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, अधिकतम, अत्यल्प, ये सही है आपका। आधा ऊपर, ये भी सही है। इसित, अलम, इसका भी विलोम यही होता है, ये भी सही है। आपको अशुद्ध युग्म बताना है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अघि, अनघ, क्योंकि अघि का अनघ नहीं होता है, अघ का अनघ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सौदामिनी, दूसरा है छठप्रभा, तीसरा है चपला। ये तीनों ही आपका रात्रि का पर्यायवाची ना होकर किसके पर्यायवाची हैं, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सरवरी। सरवरी जो है आपका रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरसात बिल्कुल ना होना, होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है, उल्लास। आगे बढ़ते हैं, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दत्तचित्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे के देख लेते हैं, जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो आपका जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द का तद्भव होता है आपका काढ़ा। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, तो आपका कांच का होता है तत्सम शब्द कांच, काठ का होता है कास्ट, कांटा का होता है कंटक, कौड़ी का होता है कर्पदिका, कोदो का होता है कोद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है तद्भव से तत्सम में। तो पहला आपका है पत्थर, तो पत्थर का हो जाएगा आपका प्रस्तर, यानी ए का फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। भौजाई का होता है आपका भ्रातृजया, यानी थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुहाग, सुहाग का होगा सौभाग्य होता है, यानी सी का फोर हो जाएगा। और लास्ट वाला है आपका डी, धुआं, तो धुआं का हो जाएगा धूम, यानी सेकेंड। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो पहला कूट क्या है आपका, संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, ये तद्भव की डिफिनेशन दी गया है, ये तो सही है आपका। बी क्या है आपका, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो आपके ए वाले में ही इसने अभी बताया संस्कृत से ही विकृत होकर आपका बना है, तो यानी बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन चुनने हैं। ठीक है, तो आपको अशुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन है आपका यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह दूसरा ऑप्शन है यह संज्ञा की विशेषता बताता है, तीसरा ऑप्शन है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है,
डी ऑप्शन है आपका, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो आपको पता होगा विशेषण की डिफिनीशन क्या होती है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही आपकी विशेषण की डिफिनीशन होती है। इस हिसाब से आपका ए और बी सही हो गया और डी भी सही हो गया। अब थर्ड आपका ऑप्शन दिया है इसने, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे जो ये सदैव वर्ड लगा के इसने गलती कर दी, क्योंकि सदैव किसी भी चीज़ के लिए जनरल नहीं होता है सदैव। क्योंकि अगर जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ये बोला ठीक है वह एक अच्छी लड़की, यहाँ पे अच्छा तो बदल गया, लेकिन वही अगर आपका हम विशेषण साहसी ले लें तो वह एक साहसी लड़का है और वह एक साहसी लड़की, यानी साहसी शब्द दोनों के लिए प्रयोग हुआ, तो इसमें लिंग की वजह से नहीं बदला। तो आपसे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी है गलत दिया हुआ इसमें। शुद्ध क्या है, या संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भीतर शब्द का तत्सम है। आपको भीतर शब्द का तत्सम बताना है, तो भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह कहलाता है आपका प्राविशेषण। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है, जो विशेषता बताता है वह आपका विशेषण होता है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है वह क्या होता है, प्राविशेषण। ये तीनों डिफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इस पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भुत असम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको त्रुटिपूर्ण वर्ड बताना है। तो आपका वचन का वैन, ये तो आपका सही है, गंभीर गहरा ये भी सही है, आपका नेक्स्ट है पुराणा पुराण पुराना ये भी सही है, कपाट कपड़ा ये आपका गलत है, क्योंकि कपाट नहीं होता यहाँ पे, आपका करपट होता है करपट, क्योंकि करपाट जो है वो किवाड़ का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, आपको इसमें बताना है कौन सा विपरीत नहीं है। तो कोमल मृदुल, तो दोनों का तो सेम ही अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका आपका होता है मक्खी का तत्सम शब्द, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मत्स्य का मछली होता है, मृतिका का मिट्टी होता है, मशक का मच्छर होता है, मृक्षण का मक्खन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया आपका परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें कोई परिमाण की बात नहीं हुई है कि वह खंबा कितने किलो का है, तो इसमें कोई परिमाण की बात नहीं की गई है, तो यानी ऑप्शन अपने आप कट गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुणवाचक विशेषण, तो इसमें बताया नहीं गया है, उसमें कोई गुण नहीं बताया गया है कि कितने किलो का खंबा है या कैसा खंबा है, अच्छा खंबा है बुरा खंबा, तो ये ऑप्शन भी गट गया। संख्यावाचक विशेषण, इसमें किसी संख्या की बात नहीं की गई है, तीन खंबे या चार खंबे, तो ये भी कट गया। लास्ट है आपका डी ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम इसमें हो जाएगा परोक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घोटक का सटीक पर्यायवाची आपको बताना है। तो घोटक मतलब घोड़ा होता है, तो यानी और अश्व मतलब भी घोड़ा होता है, यानी घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अश्व। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, घोटक का क्या है, अश्व है, वाज है तुरंग है, घोड़ा है, सैंधव है। ठीक है, शंभूक का भी पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि इसमें विकल्प में दिया हुआ था, तो शंभूक का होता है घोंगा, संघ, एक दैत्य का नाम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, अनुग्रहित, 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 अनुगृहित, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुग्रहित शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। समास शब्द का आपसे विलोम पूछा गया है, तो समास शब्द का विलोम आपका व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यसुता पर्यायवाची है, तो सूर्यसुता आपकी पर्यायवाची है यमुना की, सूर्यसुता यानी सूर्य की पुत्री यमुना आपका पर्यायवाची हो जाएगा इसका, 21 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, नारियल शब्द का तत्सम होता है, तो नारियल शब्द का तत्सम होता है नारिकेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
इसमें दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। पहला ऑप्शन दिया है 3 विशेषण 1 विशेष, तो देखते हैं। खूबसूरत 1 विशेषण हो गया आपका, काला दूसरा विशेषण हो गया और ईरानी तीसरा विशेषण हो गया। यानी इसमें 3 विशेषण दिया हुआ है और बात सिर्फ घोड़े की हो रही है, यानी 1 विशेष है। तो ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही है, 3 विशेषण और 1 विशेष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका, देखिए ध्यान से, शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्म्य, महात्म्य जो हो आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मसृण का विलोम है, मसृण का विलोम आपका होता है रुच्छ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो अस्वर का अनस्वर होता ही है, रिज का वक्र होता है, कर्कश का मधुर होता है, अहिक लौकिक, ये आपका गलत गलत युग्म है, क्योंकि अहिक का विलोम अहिक पारलौकिक होता है, ना कि लौकिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो त्यक्ता मतलब त्याग, एक तरह से छोड़ना होता है। तो आइए देखते हैं इसमें छोड़ना किस विकल्प में दिया हुआ है। पहला वह स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी है आपका उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, इसमें भी त्याग का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, यानी छोड़ दी गई, यहाँ पे त्याग देखिए, पर त्यक्ता, इसमें त्याग यहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में लोग डायरेक्ट उत्तर खोजने चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में पूर्णांक नंबर लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी से कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो हिंदी में आपको पूर्णांक लाना ही पड़ेगा हर हालत में। इसलिए ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करिएगा, फिर उस पर उसके बाद ही जाइएगा। सही उत्तर सीधे खोजेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता, यानी एक तरफ युद्ध भी है और उत्सुकता भी है, तो ऑप्शन देखते हैं, युद्धोन्मुख, ऑप्शन ए आपका बी है, जिज्ञासु, जिज्ञासु में तो सिर्फ इच्छा ही दिख रही है, युद्ध का कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, यानी सी ऑप्शन युत्साह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, युद्ध लड़ने की उत्सुकता यानी उत्साह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सु कहेंगे। नेक्स्ट है, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा होती है, जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय होता है, पति पत्नी, पति पत्नी का जोड़ा दंपति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, उसे आप विशेष कहते हैं। अभी मैंने इसके पहले भी आपको विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में बताया था, तो जिसकी आप विशेषता बताते हैं वही आपका विशेष होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरितकी का उद्भव शब्द है, तो हरितकी का उद्भव शब्द आपका हो जाएगा हरण, ठीक है। अन्य ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, हरड़ का हरितकी होता है, हारा का हरित होता है, हार का हार होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है और हीरा का हीरक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अहि का पर्यायवाची है, तो अहि का पर्यायवाची आपका होता है, अहि किसका पर्यायवाची है, अहि तो सर्प का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं सर्प के, अहि, सर्प, भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पनंग, विषधर आदि सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। कान का पर्यायवाची देख लेते हैं, कर्ण, श्रवण, श्रुति, श्रुतिपट। मुख का है, मुख, शक्ल, चेहरा, मुखड़ा, सूरत आदि। पृथ्वी का पर्यायवाची है, इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मोदिनी, मेदिनी, अवनी, जगती आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होता है श्लाघा। अन्य प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द देखते हैं, सराहना, बढ़ाई, तारीफ, गुणगान आदि। चोर का पर्यायवाची देखते हैं, कुंभिल, क्योंकि चोर का पर्यायवाची इसलिए देख रहे हैं, कुंभिल आपका इसमें ऑप्शंस में आया था, तो ऑप्शंस से क्वेश्चन अक्सर नेक्स्ट एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं, तो चोर का हो जाएगा कुंभिल, तस्कर, मूसक, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक आदि। अग्नि की पर्यायवाची है, कृषाणु, आग, पावक, अनल, वहिन, हुतासन आदि। क्रोध का पर्यायवाची है, अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश आदि। नेक्स्ट देखते हैं,
मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का विलोम शब्द आपका होता है वाचाल। मृदुभाषी का विलोम शब्द होता है कटुभाषी। बधिर का होता है सुनना। एकत्र का होता है विकीर्ण। उन्मूलन का होता है रोपण। तो मूक का विलोम शब्द आपका होता है वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो ऑप्शन देखते हैं, सब्जी महंगी है, तो महंगी में आपका महंगी ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हाँ पे चंद्रबिंदी होगी ना कि माँ पे। नेक्स्ट है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो उपरोक्त में उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, इसने उपरोक्त को भी गलत लिखा हुआ है। इस हिसाब से तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध पूछा है, तो पहला और ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं, तो ए भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ए आयोग ने पक्का क्वेश्चन बदला हुआ है, दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो श्वेत से उत्पन्न होने वाले के लिए होता है स्वेदज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज होता है, जिसने दो बार जन्म लिया हो द्विज होता है। गर्मी से पैदा होने वाला उष्मज होता है, उष्मा मतलब गर्मी, तो उष्मा से जन्म उष्मज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कभी कभी शब्दों को तोड़ के भी आंसर जल्दी मिल जाता है। आगे देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे आप कहते हैं युधिष्ठिर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो ये किस चीज का क्या प्रकट कर रहा है, तो ये आपका गुण बता रहा है, दृश्य कैसा है, मनोरम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो अब गुणवाचक विशेषण की विशेष परिभाषा देख लेते हैं, जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तो दृश्य मनोरम है, इसलिए आपका इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, औरस का विलोम है, तो औरस का विलोम शब्द होता है दत्तक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची आपका होता है पुष्प धनवा, पुष्प धनवा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो पुरंदर है इंद्र का पर्यायवाची, और आपका भूतेश शिव का पर्यायवाची है, और जनार्दन आपका विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो आपका वो होता है सव्य सांची, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सव्य सांची। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आकार में बड़ा होता है ना कि छोटा होता है, अतिथि में था, यहाँ पे थी भी छोटी मात्रा लगाना होगा, बड़ा लगा दिया है। आगे क्या है, नेक्स्ट है कुआं, कुआं में इसमें छोटा उ की मात्रा लगाना था, इसने बड़ा उ की मात्रा लगा दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें शुद्ध है, बाकी तीनों ही अशुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है आपका सदाव्रत, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो वह है आपका अजर। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, यानी पहले हमने देखा जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कह रहे हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं, और जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण आपका होता है संदिग्ध। आगे देखते हैं, प्रतिबिंबित में विशेष होगा, तो प्रतिबिंबित में विशेष होगा आपका प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो तत्सम शब्द चुनना है आपको, तो इसमें तत्सम हो जाएगा आपका सकल। देखिए गयन में भी छोटा ना दिया हुआ है, सगुन में, और फिर ये मैंग में भी चंदबिंदी दी हुई है, तो आपका इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सकल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अछौ हिड़ी आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनना है, तो शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें हम पहले पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन दिया है, कुछ लोग मिष्टन के प्रिय होते हैं, तो ये मिष्टन नहीं होता, ये मिष्टान होता है, यानी आप मिष्टन में अशुद्ध वर्तनी का यूज हुआ है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, अशुद्ध है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराजगंज गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक है, ये आपका शुद्ध लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
49 नंबर प्रश्न देखेंगे। जंगम शब्द का सटीक विलोम है तो जंगम का स्थावर होता है, तो काफी दिनों से पूछा जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अवृत्त वाचक विशेषण नहीं है, तो अवृत्त वाचक विशेषण नहीं है पूछा है। पहला है तिगुना, तो ये आवृत्ति का वर्णन कर ही रहा है, एक गुना दो गुना तिगुना, तो ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण ही होते हैं। फिर आपका है चौगुना भी आवृत्तिवाचक ही है और दूना भी आवृत्तिवाचक है, तो बचा क्या सब कुछ। सब कुछ में कोई आवृत्ति का वर्णन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा है, तो पहला दिया पांचाल, तो पांचाल नहीं है बल्कि पंचाल ही है, तो इसने गलत ही दे दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी द्रौपदी की पर्यायवाची ये सब है, सरेंद्री, कृष्णा, गांसिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है, तो अवनी का सही पर्यायवाची है अचला, ठीक है। अचला जो है वो अवनी का सही पर्यायवाची है, अचला, इला, उर्वी, मही, मेदनी, रसा, बासमती, छिति, ये सब आपके अवनी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, तो विद्युत का पर्यायवाची आपका इसमें विद्युत का पर्यायवाची है, सॉरी इसमें पूछा आपका विद्युत का पर्यायवाची है, तो विद्युत का पर्यायवाची इसमें दामिनी है। बाकी जो है ये तनिया, तो आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है, रमणी जो है वो नारी का पर्यायवाची होता है, तो इसमें सही आंसर आपका, और ये सर्वरी रात्रि का पर्यायवाची होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दामिनी ही विद्युत का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है, कर्कट का केकड़ा है तो सही है, जंजाल का जंजाल ये भी सही है, पीपल का पीपल होता है भी सही है, फुल फुड़िया ये आपका गलत है, क्योंकि फुल का आपका होता है फूल ना कि फुड़िया, ठीक है। चौवन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे कुछ विशेषण दिया है, विशेष दिया है किन के लिए प्रयुक्त हो सकता है ये देखते हैं। तो ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक तो घटना होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ए का मिलान हम करेंगे किससे, थ्री से। विदुषी, विदुषी महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है, तो यानी बी का वन हो जाएगा। महती कथा के लिए प्रयोग होता है, और रोचक जो होती हैं वो पुस्तकें होती हैं, यानी डी का फोर हो जाएगा। ये इस तरह आपसे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको, तो उच्छिष्ट का होता है अनुच्छिष्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है, तो पहला कूट क्या है, संजू ने मिठाई और पापड़ खाए, तो आप पढ़ लिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही लग रहा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, ये भी सही है। तुमने रुपए दिए, ये आपका गलत लग रहा है। तो कूट क्या कहता है, केवल ए और सी शुद्ध वाक्य है, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ए भी शुद्ध वाक्य है, बाकी के बारे में तो इसने बताया नहीं कुछ, ये भी गलत है आपका। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका, ए बी सी शुद्ध है तथा डी अशुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों शुद्ध थे, और डी तुमने रुपया दिया यही एक अशुद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, अब वहीं गए हैं, वहीं से आना, तो ये तो फिर से वापस जाना, ये तो अलग ही वाक्य बना दिया। नेक्स्ट है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए, ये तो कुछ देखने गए थे, ये तो सही लग नहीं रहा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें ये सही लग रहा है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, शब्द है पर्यायवाची है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो खर का गर्दभ होता ही है, आंख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, यानी अब तीनों सही हो गए, ऑप्शन नंबर डी ही बचा है आपका, गंगा का मृगांक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा का जाह्नवी होता है और मयंक का मृगांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल है, ये 60 सवाल हम कंप्लीट करने वाले हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो अप्रत्याशित के लिए उपयुक्त वाक्य हमें बताना है, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, तो अप्रत्याशित आ हमेशा निगेटिव
अक्सर निगेटिव वाक्य को प्रस्तुत करता है, तो यानी जिसकी आशा ना की गई हो, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, अभी बताया। नेक्स्ट है जिसकी आशा की गई हो वह आशातीत होता है, जिसकी संभावना हो संभावित होता है, जो अवश्य होने वाला हो वह अवश्य संभावी होता है। ठीक है, ये आपका 60 प्रश्न का सीरीज था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।